Hello student, welcome to online class. Today I am going to teach you geography of class 6 and 7. Our topic is Earth. How day and night on the Earth. So we know that Earth rotates on axis 24 hour. Axis means हम लोग दूरी कहते हैं. So today I will discuss some points. First of all, you can see diagram. Earth 23 and a half tilted and 66 and a half angle. What means tilted and angle? So first of all, I want to discuss this time. And Earth north and south. So first A and B to 23 and half tilted and 66 and half angle means 23 and half Earth झुकी हुई है and 66 and half Earth angle बनाती है यानी कोण बनाती है. तो एक north pole and south pole को इस तरह के diagram में बना सकते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ 23 एंड हाफ टिल्टेड एंड 66 एंड हाफ एंगल. तो जस्ट यू सी फर्स्ट ए एंड बी, ए टिल्टेड एंड बी 66 एंड हाफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस 22 दिसंबर Earth makes 111 angle. 22 दिसंबर को अर्थ 121 डिग्री का कोण बनाता है. सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होते हैं, सबसे छोटा दिन, एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में लार्जेस्ट डे होते हैं यानी सबसे बड़ा दिन होता है. व्हाई 22 दिसंबर को 111 डिग्री अर्थ जो है वो एंगल बनाती है. सो नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम पार्ट पर लगता है, इसीलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में आपको शॉर्टेस्ट डे होते हैं, सबसे छोटा दिन होते हैं, एंड 22 दिसंबर को साउदर्न हेमिस्फीयर में लार्जेस्ट डे होते हैं मींस सबसे बड़ा दिन, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर. बिकॉज अर्थ मेक्स ए 111 डिग्री एंगल. एंड नेक्स्ट 21 मार्च को अर्थ मेक्स ए 90 डिग्री. तो इस दिन क्या होता है, 21 मार्च को डे एंड नाइट आर इक्वल एंड 21 मार्च. जस्ट लाइक 90 डिग्री मीन्स अ स्ट्रेट, 21 मार्च को अर्थ जो है वो बिल्कुल सीधा, एंड जो ऑलवेज वो एंगल बनाती है 66 एंड हाफ, एंड 21 मार्च को 90 डिग्री का एंगल बनाती है. सो इसीलिए डे और नाइट इक्वल होते हैं. एंड नेक्स्ट 21 जून अर्थ मेक्स 66 एंड हाफ एंगल, यानी 21 जून को अर्थ 66 एंड हाफ का एंगल बनाती है. सो 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लार्जेस्ट डे होते हैं एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होते हैं, यानी जस्ट अपोजिट. 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको एक शॉर्टेस्ट डे एंड 21 जून को लॉन्गेस्ट डे, एंड 22 दिसंबर को साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट यानी लार्जेस्ट डे. सो 21 जून को शॉर्टेस्ट डे होते हैं, यानी एक हम लोग को इस तरह से समझना होगा कि 22 दिसंबर एंड 21 मार्च को अर्थ का जो डायरेक्शन है वो एंगल के अनुसार से हम इसको समझ सकते हैं कि 22 दिसंबर को अर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे स्मॉल डे होते हैं यानी सबसे छोटा दिन होता है, उसके 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे यानी आपको लार्जेस्ट डे सबसे बड़ा दिन होते हैं, एंड
शॉर्टन हेमिस्फीयर में अ स्मॉल डे होता है जस्ट 23 सितंबर अर्थ मेक्स 30 डिग्री एंगल। तो 30 डिग्री एंगल्स मींस डे नाइट इक्वल होते हैं। तो वन ईयर में डे एंड नाइट आर इक्वल ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। वन ईयर में 280 डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। सो 21 मार्च एंड 23 सितंबर को डे एंड नाइट इक्वल होते हैं अर्थ पर। एंड नेक्स्ट 22 दिसंबर फर्स्ट 23 and half नॉर्दर्न एंड साउदर्न। सो 23 and half लैटिट्यूड इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23 and half साउदर्न लैटिट्यूड इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसे 23 and half नॉर्दर्न जो लैटिट्यूड है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसी को ही हम लोग कर्क रेखा कहा जाता है हिंदी में। एंड 23 and half को ट्रॉपिक ऑफ आपको कैप्रिकॉर्न कहते हैं, इसे हिंदी में मकर रेखा बोलते हैं। तो जस्ट लाइक यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग आता है कि 22 दिसंबर को अर्थ का जो सनलाइट है तो डायरेक्ट कहा जाता है कि आपको 23 and half सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सॉर्दर्न में पड़ता है। इसीलिए 23 and half ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का सन का लाइट 22 दिसंबर को डायरेक्ट पड़ता है। एंड नेक्स्ट उसका अपोजिट 23 and half नॉर्दर्न जिसको हम लोग बोलते हैं कैंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 21 जून को सन का लाइट अस्टिक पड़ता है सन का लाइट। तो नेक्स्ट 21 जून 23 and half जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23 and half साउदर्न ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मीन्स सन का लाइट अस्टिक पड़ते हैं 22 दिसंबर एंड 21 जून को 23 and half नॉर्दर्न लैटिट्यूड में इसका एक डायरेक्शन है सनलाइट अस्टेट पड़ते हैं। सो नेक्स्ट इट टेक्स 365 डे। ऑलवेज हम लोग एक जानते हैं कि जो रिवोल्ट अराउंड द सन जो अर्थ का है इट टेक्स 365 डे 5 hours एंड 48 minutes में जो सन है सन का चक्कर वन ईयर में आपको अर्थ लगाते हैं। एंड अपने एक्सिस में दूरी बोलते हैं अपने एक्सिस में एक कहा जाता है कि 23 hours एंड 56 minutes में ऑलमोस्ट 5 seconds 23 hours 56 minutes एंड 5 seconds में वो अपने एक्सिस में वन चक्कर लगा लेते हैं। एंड 365 days 5 hours एंड 48 minutes में वो सन का चक्कर लगाते हैं सन का चक्कर। एंड अपने एक्सिस पर कहा जाता है कि वो 23 hours 56 मिनट एंड 5 सेकेंड में ये रोटेट करते हैं। सो टुडे ओनली अर्थ किस प्रकार से कैसे घूमती है डे एंड नाइट इक्वल या शॉर्टेस्ट या किस प्रकार से होती है। सो थैंक यू।